क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर थर्टी टू करेंगे क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इन टू वाईक्वल टू ये हैंड साइड अभी ये इक्वेशन जो है ये क्वेश्चन से टाइप का है ये क्वेश्चन है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्योंकि इसकी टाइप है एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स इस टाइप का ये क्वेश्चन है और ये जो राइट हैंड साइड में है वो किस टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो अपने को आइडेंटिफाई होना चाहिए ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल है मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल में हम लोग क्या सब्सटीट्यूशन करते हैं वो अपने को याद होना चाहिए तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट इसकी टाइप लिखेंगे इसकी टाइप है फंक्शन ऑफ डी एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स अभी अपने को इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम लोग एफ ऑफ डी को जीरो करते हैं, इक्वेट करते हैं जीरो से एफ ऑफ डी को इक्वेट करेंगे जीरो से इसका मतलब इसको इक्वेट करेंगे जीरो से डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे और डी के रूट्स निकालेंगे कैल्सी से तो अभी हम लोग सबसे फर्स्ट कैल्सी लेंगे और कैल्सी में इक्वेशन के कोइफिशंट पुट करेंगे अभी हम लोग कैलसी लिए ऑन करेंगे कैल्सी को मोड प्रेस करेंगे फिफ्थ नंबर पे इक्वेशन है डी स्क्वायर वाला इक्वेशन यानी थर्ड नंबर वाला इक्वेशन है थ्री प्रेस करेंगे फिर इसके कोइफिशेंट लिखेंगे, डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन एंटर करेंगे इक्वल करेंगे नेक्स्ट है डी का कोफिशियंट माइनस टू है तो माइनस टू एंटर करेंगे और इक्वल करेंगे सी का कोइफिशेंट वन है वन एंटर करेंगे इक्वल करेंगे और यह है अपने रूट्स वन सिर्फ वन ही रूट मिला है अपने को रूट सिर्फ एक ही मिला है और रूट मिला है वन तो उस रूट को सबसे फर्स्ट लिखेंगे वन मिला है कैल्सियम में सिर्फ वन ही मिला है लेकिन ये इक्वेशन में डी स्क्वायर है इसका मतलब अपने को टू रूट्स मिलने चाहिए कैलसीम में सिर्फ ये वन मिला है इसका मतलब ये वन फिर से रिपीट हो रहा है इसीलिए हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे वन कॉमा वन लिखेंगे अभी इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है वाई सी इक्वल टू वन मिला है वन वन मतलब ये रिपीटेड है और रियल है तो सबसे फर्स्ट तो ई e आएगा ई रेस्ट टू एक्स लिखेंगे इस वन के लिए वन आएगा और ये रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है मतलब अपने को दो कांस्टेंट लिखने होते हैं दो कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे C1 वन प्लस सी और उसके साथ x और इसको ब्रैकेट करेंगे तो ये है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये दोनों कांस्टेंट ऐड नहीं होने चाहिए इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे x लिखा तो ये है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे यानी कि वाई पी निकालेंगे तो वाई पी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ ऑफ डी एफ ऑफ डी इंटू एक्स एफ ऑफ डी अपना क्या है ये वाला है अपना एफ ऑफ डी डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन तो उसको लिखेंगे अभी सबसे फर्स्ट पहले यहाँ पे वाई पी वाई पी इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी एफ ऑफ डी है डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू एक्स एक्स है अपना ये राइट हैंड साइड वाला तो इस राइट हैंड साइड को यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू रेस्ट टू थ्री एक्स यानी मल्टीप्लाई विथ एक्सपोनेंशियल अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे वो देखेंगे अभी यहां पे हम लोग डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन को क्या लिख सकते हैं ये फॉर्म कौन सी है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्म है और अपने रूट्स भी मिले वन वन इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे d माइनस वन होल इक्वेशन को इजी करने के लिए हम लोग ने ऐसा लिखा a माइनस भी होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर यही आएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन और ये कैसे समझता है d माइनस वन होल स्क्वायर है अपने को रूट्स भी वन कमा वन मिले तो हम लोग d माइनस वन इंटू डी माइनस वन भी लिख सकते हैं वो भी इसका स्क्वायर ही होगा तो यहाँ पे एक्स स्क् इंटू ई रेस्ट टू थ्री एक्स अभी ये मल्टीप्लाई विथ एक्सपोनेंशियल है मल्टीप्लाई विथ एक्सपोनेंशियल के पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या सब्सटीट्यूशन करते हैं हम लोग सब्सटीट्यूशन करते इक्वल टू डी प्लस ए और ये जो ए है वो एक्सपोनेंशियल से आना चाहिए एक्सपोनेंशियल से आता है ये वाला ए तो इसको यहां पर लिखे डी इक्वल टू डी प्लस एक्सपोनशियल का ए रेस टू ए एक्स है तो ये पे यहां पे है थ्री तो ये वाला थ्री लिखेगा डी इक्वल टू डी डी प्लस थ्री अभी इसमें इस डी इस की जगह पे डी प्लस थ्री लिखे गए तो हम लोग आगे लिखे गए इक्वल टू वाई पी वाई पी इक्वल टू वन अपॉन वन अपॉन डी की जगह पे लिखे गए डी प्लस थ्री डी प्लस थ्री और ये माइनस वन और ये स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ई एक रेस्ट टू थ्री एक्स आएगा ऊपर फिर अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनता है वाई पी इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस थ्री माइनस वन टू डी प्लस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई एक रेस्ट टू थ्री एक्स ये ऐसे बनता है अभी नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे अभी यहाँ पे वाई पी इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस टू होल स्क्वायर है तो ये आएगा ए स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर टू ए बी टू ए बी मतलब टू इंटू टू फोर फोर डी प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर आएगा प्लस फोर और ये तो सेम ही आएगा एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू थ्री एक्स ये ऐसे आएगा अभी इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको नेक्स्ट अपने को सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग ने ई रेस्ट टू थ्री एक्स एक्सपोनेंशियल का काम यहाँ पे हो चुका है हम लोग ने डीवल टू डी प्लस ए लिखा तो एक्सपोनेंशियल का काम हो चुका है अभी यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर कौन सा है एलजेब्रिक है अभी इसको एलजेब्रिक के मेथड से सॉल्व करना है तो अभी हम लोग इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सबसे फर्स्ट अभी हम लोग एल्जेब्रिक uh, के मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं ई रेस टू थ्री एक्स का काम हो गया तो उसको सबसे फर्स्ट साइड में लिख लेते हैं ऊपर लिखते हैं यहाँ पे ई रेस टू थ्री एक्स अभी इसका कुछ काम नहीं है इसका काम ऑलरेडी हो चुका है वन अपॉन लिखेगे और अपने को एल्जेब्रिक है एक्स स्क्वायर तो एलजेब्रिक के मेथड मतलब वन प्लस एक्स रेस्टू माइनस वन या फिर वन माइनस एक्स रेस्ट टू माइनस वन के फॉर्मूला से सॉल्व करना होता है तो उसके लिए ये वाला जो फोर है वो स्टार्टिंग में लिखेंगे फोर फिर ये प्लस फोर डी प्लस डी स्क्वायर ऐसा आएगा और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर हम लोग ने बस ऑर्डर रिवर्स किया ये डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर था तो ये फोर को हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा प्लस फोर डी और ये प्लस डी स्क्वायर अभी अपने को क्या करना है अभी अपने को ये वाला फोर जो है उसको अपने को कॉमन निकालना है तो कॉमन निकालने के बाद वो क्या बनेगा वो देखते हैं और इसको अपने को क्लब करना है ये वाले टर्म को डी स्क्वायर वाले टर्म को तो वाई पी होगा वाई पी इक्वल टू ई रेस्ट टू थ्री एक्स वन अपॉन ये फोर को हम लोग कॉमन निकालेंगे ये फोर को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा वन प्लस ये फोर डी फोर डी प्लस डी स्क्वायर ये बचेगा और इसको डिवाइड बाय फोर होगा ये और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो ये अंदर इतना बचेगा अभी नेक्स्ट अपने को इसको पुट करना है एक्स करके तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट पुट एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू फोर डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर तो नेक्स्ट अभी सॉल्व करेंगे वाई पी इक्वल टू ई रेस्ट टू थ्री एक्स ये रेज टू थ्री एक्स वन अपॉन फोर ये आएगा नेक्स्ट आएगा फोर वन प्लस वन प्लस एक्स और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अभी नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे ये वन प्लस एक्स को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे फिर इसका आंसर क्या आता है वो देखते हैं हम लोग अभी राइट right साइड में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा सबसे फर्स्ट वाई पी इक्वल टू वन बाय फोर बाहर आएगा वो और ये ई रेस टू थ्री एक्स उसके बाद आएगा वन प्लस वन प्लस एक्स रेस टू माइनस वन ये ऊपर आया और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा अभी इसका फॉर्मूला अपने को लिखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है वन प्लस एक्स रेस टू माइनस वन है तो इसका फॉर्मूला होगा वन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस या आगे ऐसा इसका फॉर्मूला है इसमें लिखेंगे अभी हम लोग वाई पी इक्वल टू वन अपॉन फोर ई रेस टू थ्री एक्स इसका फॉर्मूला आएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये आगे आगे ऐसे कंटिन्यू होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला ऐसे आएगा फिर वाई पी इक्वल टू वन अपॉन फोर ई रेस्ट टू थ्री एक्स वन माइनस एक्स की जगह पे हम लोग ने क्या पुट किया था एक्स की जगह पे हम लोग ने पुट किया था फोर डी अपॉन डी स्क्वायर अपॉन फोर तो ये फिर से लिखेगी हम लोग हम लोग यहाँ पे साइड में लिखेंगे फोर डी फोर डी प्लस डी स्क्वायर फोर डी प्लस डी स्क्वायर अपऑन फोर प्लस एक्स स्क्वायर तो मतलब इसका स्क्वायर फोर डी प्लस डी स्क्वायर अप फोर और ये होल स्क्वायर बनेगा और ये ब्रैकेट क्लोज और उसके बाजू में ये एक्स स्क्वायर आएगा फिर नेक्स्ट अभी इसको सॉल्व करेंगे वाई पी इक्वल टू वाई पी इक्वल टू वन अपॉन फोर ई रेस टू थ्री एक्स ब्रैकेट के अंदर आएगा वन माइनस अभी इसको इंडिविजुअली ब्रैकेट देंगे ये फोर ये फोर कैंसिल होगा तो ये बनेगा डी अभी यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस होता है माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर बचेगा प्लस प्लस अभी यहाँ पे भी इंडिविजुअल ब्रैकेट देंगे इंडिविजुअल ब्रैकेट देंगे तो डिनोमिनेटर को हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये फोर ये फोर कैंसिल होगा यहाँ पे बचेगा डी प्लस यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर अपॉन फोर और ये स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इतना क्लियर है फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे वाई पी इक्वल टू ई रेस्ट टू थ्री एक्स अपऑन फोर इसको सॉल्व करेंगे अभी वन माइनस डी माइनस डी स्क्वायर अपऑन फोर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो फर्स्ट आएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी का फॉर्मूला अपने को लिखना है प्लस टू ए है और ये बी है ए बी डी क्यूब होता है अपॉन फोर प्लस ये बी स्क्र तो डी डी रेस टू फोर अपॉन फोर स्क्वायर और ये यहाँ पे एक्स स्क् लेकिन यहां पर एक्स है इसका मतलब अपने को सिर्फ डी स्क्वायर वाले टर्म तक ही अपने को देखना है उसके आगे कोई भी टर्म को लेना नहीं है अपने को तो उसको लिखेंगे वाई पी इक्वल टू ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन फोर आएगा और ब्रैकेट ओपन करेंगे अपने को सिर्फ डी स्क्वायर वाले टर्म तक ही लेना है ये डी क्यूब भी नहीं लेना है ये डी रेस टू फोर भी नहीं लेना है तो उसको लिखेंगे वन माइनस डी माइनस डी स्क्वायेर अपॉन फोर प्लस डी स्क्वायर बस इतना ही ये डी क्यूब डी फोर डी रेस टू फोर नहीं लेना है और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है अभी हम लोग क्या करेंगे इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है वाई पी इक्वल टू वाई पी इक्वल टू ई रेस्ट टू थ्री एक्स अपॉन फोर आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन आता है एक्स स्क्वायर माइनस डी इंटू एक्स स्क्वायर डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये ऐसा आएगा अभी इसको सॉल्व करना है अपने को इसको सॉल्व करेंगे वाई पी इक्वल टू ई रेस्ट टू थ्री एक्स अपॉन फोर आता है एक्स स्क्वायर तो हाइज इट इज आएगा उसको लिखे के एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर है डी मतलब होता है डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स तो वो टू एक्स लिखेगे माइनस अभी डी स्क्वायर है यहां पे मतलब डबल डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव किसका लेना है एक्स स्क्वायर का ये वन अपॉइंट फोर है तो पहले ये वन अपॉइंट फोर कॉमन निकाल लेते डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव लेके एक्स स्क्वायर का तो वो बनेगा टू एक्स इसका फिर से डेरेवेटिव लेके यानी टू एक्स का फिर से डेरेवेटिव लेके तो वो बनेगा टू तो ये है डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर फिर से सिंगल डेरीवेटिव लेगे तो टू एक्स आएगा और उसका फिर से डेरिवेटिव लेके टू एक्स का तो वो आएगा टू तो उसको यहाँ पे लिखेंगे अभी ये वाला टून जा टू टू जा ये कैंसिल होता है तो यहां पे बचा माइनस वन अपॉन टू यहां पे बचा अभी उसको लिख लेते पी टू थ्री एक्स अपॉन फोर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा एक्स स्क्वेर माइनस टू एक्स और ये बचा माइनस हाफ प्लस टू यहां पे माइनस हम लोग ने लिखा फोर फोर कैंसिल हुआ माइनस टी आया तो फिर ये ब्रैकेट नहीं है ये माइनस प्लस ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे ये सिर्फ प्लस ही आएगा यहाँ पे भी प्लस आएगा यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे प्लस होगा ये वाला कौन सा टर्म है अभी डी स्क्वायर अपॉन फोर तो ये प्लस होगा ये प्लस होगा और ये प्लस होगा अभी टू प्लस हाफ टू प्लस हाफ़ कितना होता है टू इंटू टू फोर प्लस वन फाइव अपॉन टू तो उसको यहाँ पे लिखेंगे भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाई पी इक्वल टू ई रेस्ट टू थ्री एक्स अपॉन फोर ब्रैकेट एक्स स्क्वेर माइनस टू एक्स प्लस फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई टू है अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी अपने को कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है कंप्लीट सोल्यूशन होता है वाई इक्वल टू सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने को स्टार्टिंग में सी एफ मिला था प्लस पी आई करेगे तो यह होता है अपना कंप्लीट सोल्यूशन